हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजना और आज की वीडियो होने वाली है ज़िवामी हॉल। बहुत दिनों के बाद ज़िवामी हॉल आ रही है और इनकी हॉल भी बहुत कम आ पाती है बिकॉज ऑफ प्राइस, क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत हाई होती है। नॉर्मल डेज में अगर आप इनके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहोगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सेल के टाइम पर इन पर बहुत अच्छी डिस्काउंट मिल जाती है। तो जब भी आप इनके प्रोडक्ट्स बाय करें, सेल के टाइम में ही बाय करें, इन पर 50-65% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, क्योंकि ज़िवामी पे चल रही है एनिवर्सरी सेल, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। आपने अगर ज़िवामी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार आपने यूज कर लिया तो आप हमेशा यूज करोगे। इनकी जो प्रोडक्ट्स होती है इतनी कंफर्टेबल होती है डेली वेयर के लिए। घर में अगर आपको कंफर्टेबल कुछ चाहिए उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो फैब्रिक होती है बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो मैं नाइट वेयर, पजामा सेट या फिर शॉर्ट या फिर नाइट ड्रेस जो होती है, वो इनमें से कुछ भी बाय करती हूँ तो ज़िवामी से ही बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैं चाहती हूँ दिखाना, लेकिन एक हॉल में ऐड नहीं हो पाता। सो जितने प्रोडक्ट्स मैं इस हॉल में ऐड कर सकती थी वो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको सारे प्रोडक्ट्स। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है घर में वेयर करने के लिए वो है नाइट ड्रेस, और इस तरह की नाइट ड्रेस मैंने बाय किया है, क्योंकि ये वाली जो ड्रेस होती है ना, इसमें होल डे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। मैं घर में इस तरह की ड्रेस को वेयर करना पसंद करती हूँ। होल डे आप इसे वेयर करके रहो, बहुत ही कंफर्टेबल है और इनकी जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता है नी से नीचे तक है, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप होल डे इसे वेयर कर सकते हो। जो बहुत शॉर्ट वेयर नहीं कर पाते हैं उनके लिए इस तरह की ड्रेस बहुत ही परफेक्ट होती है। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये रिसीव हुई है, और ज़िवामी पे ये वाली जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सो ये इस तरह की ड्रेस है, आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको इस तरह की कॉलर रिसीव होती है। इसके पहले मैंने जितने भी बाय किए हैं ड्रेस, वो कॉलर वाली नहीं थी। सो फर्स्ट टाइम मैं ये कॉलर वाली ट्राई करूँगी, बट ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह की कॉलर रिसीव होती है आपको, ठीक है, डबल कॉलर आपको मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको दो बटन्स ओपन हो जाते हैं। बाकी के जितने भी बटन्स हैं सारे शो के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। आपको कलर की वजह से समझ में नहीं आ रही होगी, बट ये सारी आपको बटन्स मिल जाती है यहाँ पर, और ये शो के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल भी ओपनेबल नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी है, बिल्कुल लाइट येलो और ग्रीन के साथ में आपको पर्पल की कॉम्बिनेशन मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इस तरह की शॉर्ट स्लीव्स मिलती है। इस वाले ह्यूमिडिटी में इस तरह की स्लीव्स अच्छी लगती है, और नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह की पैटर्न मिलती है, ठीक है। साइड से आपको राउंड कट वाली पैटर्न मिल जाती है इस तरह की, ठीक है। फ्रंट में भी आपको छोटी सी स्लिट मिल जाती है, बैक साइड में भी आपको सेम मिल जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी सी फैब्रिक है गाइस, इसकी जो फैब्रिक है ना बहुत अच्छी है। आप एक बार मंगवा कर देखो, आप वेयर करोगे ना बहुत कंफर्टेबल सा रहता है। होल डे आप वेयर करो, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। स्वेट को बहुत अच्छी तरह से ये अब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेरे तरफ से ये वाली जो प्रोडक्ट है ना गाइस, मस्ट बाय। और आज के हॉल में ये वाली मेरी फेवरेट प्रोडक्ट होगी, क्योंकि मुझे ये वाली काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह के ड्रेस को घर में वेयर करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है, सो मस्ट बाय प्रोडक्ट है गाइस। बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे। जो भी इसकी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी, जिस प्राइस पे मैंने बाय किया है मैं मेंशन कर दूंगी। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी सेल चल रहा है, हर रोज़ कुछ अलग हो जाता है, तो जो भी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट है गाइस, ये ओके, ये वाली जो है ये उस तरह की है जो नाइटी होती है ना, उस तरह की है। मैंने सोचा मैं नहीं वेयर करती हूँ, लेकिन और लोग तो वेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नाइटी वेयर करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। मुझे इसके स्टाइल बहुत अच्छी लग रही थी, और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी कलर कॉम्बिनेशन है। इस तरह की मैंने ये वाली नाइटी ली है, बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी के साथ में आपको ये मिल जाती है प्रोडक्ट, और इसकी जो फैब्रिक है सेम वही वाली है जो मैंने इसके पहले दिखाया है। बहुत ही स्मूथ सी, बहुत ही सूदिंग सी कलर है, और इसकी फैब्रिक भी काफ़ी अच्छी है। पूरी तरह से हॉजरी फैब्रिक है, कॉटन हॉजरी है, गर्मी नहीं लगने वाली है, और आप देख सकते हैं इसकी जो डिटेलिंग है इस तरह की, फ्रंट में इस तरह की डिटेलिंग है, और यहाँ पर आपको टाई करने के लिए इस तरह की लेस भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इस तरह की लूप के साथ में। इसमें पॉकेट भी प्रोवाइड की गई है, और बैक साइड में आपको मैं दिखा दूं इस तरह की प्लीट्स मिल जाती है जो जनरली नाइटी में होती है ना, उस तरह की ही है। काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली नहीं है। साइड से आपको इस तरह की आपको दोनों तरफ छोटी सी स्लिट मिल जाती है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, जिनको नाइटी वेयर करना पसंद होता है घर में उनके लिए परफेक्ट है। फैब्रिक वाइज बहुत ही अच्छी है। जो भी इनकी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी। और जो नेक्स्ट है गाइस, ये एक पजामा सेट है,
और पजामा सेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अक्टूबर के बाद मैं इस तरह की जो ड्रेस है ना वेयर करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी दिल्ली में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो इस तरह की जो पजामा सेट है ना काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसकी जो कलर है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इमेज में कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। ऑरेंज सी कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डस्की कलर है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं पूरी आपको टॉप इसकी प्लेन मिलती है और यहाँ पर आपको राउंड नेक मिलता है। फुल स्लीव्स की ये टॉप है, ठीक है। और इसकी जो फैब्रिक है बहुत मोटी वाली नहीं है, ये स्टार्टिंग में जब ठंड शुरू होती है ना उस टाइम के लिए ये परफेक्ट है। सो इस तरह की ये नाइट वेयर है और बैक साइड आप देख सकते हैं इस तरह की है। लुक काफ़ी अच्छी सी है, फैब्रिक आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी सी फैब्रिक है इसकी। कुछ अच्छी फैब्रिक में ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ होगी हिप लेंथ तक होगी, बहुत लंबी नहीं है। और इसके साथ जो लोअर है ये इस तरह की मिल जाती है, आपको दोनों तरफ प्लास्टिक मिलती है और यहाँ पर आपको लेस भी मिल जाती है इस तरह से एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और इस तरह की इसमें आपको पजामा मिलती है, बहुत खुली सी नहीं है ये पजामा वाली जो होती है, उस तरह की इसमें शेप मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको इस तरह की नैरो सी मिल जाती है। यहाँ पर आपको अलग से फैब्रिक प्रोवाइड की गई है। ब्राउन के ऊपर ऑरेंज की ये प्रिंट काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं लुक काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं इसे। और जो नेक्स्ट है गाइज, ये भी एक ड्रेस है और ये तो मेरी बेटी छोड़ने वाली है नहीं, तो ये इस तरह की ड्रेस है। फिरोजी कलर बहुत ही अच्छी सी लगती है और फिरोजी के ऊपर इस तरह से यहाँ पर आपको ग्रीन पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है राउंड नेक और छोटी सी यहाँ पर आपको स्लीव्स प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर इस तरह की इंटरलॉक की डिटेलिंग भी मिल जाती है। इसकी जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छी वाली फैब्रिक है, मोटी फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, पतली वाली फैब्रिक है। वेयर करके काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हो, गर्मी कहीं से नहीं लगने वाली है। इसकी जो लेंथ होगी नी से ज़्यादा नहीं होगी, फर्स्ट वाली जो मैंने दिखाई थी उसकी लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर आपको पॉकेट भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, बहुत ही अच्छी सी ये फैब्रिक है, काफ़ी पतली वाली है जिसमें आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली है, तो इस वाले ह्यूमिडिटी के लिए डेफिनेटली आप इसे सोच सकते हो। जो भी इसकी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी। सो काफ़ी अच्छी सी ये प्रोडक्ट है गाइज, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है गाइज, ये एक स्लिप है और इस तरह की स्लिप मैंने काफ़ी सारे ले कर रखे हुए हैं, जिस कलर में भी मिल जाए ना मैं इसे ले लेती हूँ। और ये आप होल डे भी वेयर करके रहते हो ना तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा ये ट्रांजी नहीं है कि आप इसे वेयर करके नहीं रह सकते हो। इसकी जो फैब्रिक है ना काफ़ी अच्छी सी है। इसमें एक स्किन कलर की भी थी लेकिन मैंने ब्लैक लिया, ब्लैक मेरे पास तीन चार ऐसी वाली हो गई है। ये है तो स्लिप लेकिन मैं इसे होल डे वेयर करती हूँ और इतनी कंफर्टेबल रहती है, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इसकी फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक है। सो देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश सी लगती है और कंफर्टेबल भी रहती है, होल डे आप वेयर करते हो तो अच्छा भी लगता है। साइड में तो आपको थोड़ी सी कट मिल जाती है ताकि आप वॉक इजीली कर सको। कुछ ऐसे स्टफ होते हैं जिसके लिए आपको लॉन्ग स्लिप की जरूरत होती है, मेरे पास कई सारे ऐसे श्रग हैं उसके अंदर भी मैं इसे वेयर करना पसंद करती हूँ, काफ़ी अच्छी भी लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ये ले सकते हैं, बट ये इस समय काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाएगी। अगर सेल ओवर हो गया ना तो ये सारे के सारे आपको डबल प्राइस पे मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी बाय कर ले, प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ना छोड़े गाइस। और जो नेक्स्ट है गाइस, इस तरह की टी शर्ट आपको रिसीव हो जाती है, यहाँ पे रेनबो वाले आपको पैटर्न मिल जाती है, नेवी ब्लू टी शर्ट है और यहाँ पर आपको ये इस तरह की छोटी सी स्लीव्स मिल जाती है। राउंड नेक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, बैक साइड भी प्लेन है। इसकी जो लेंथ होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हिप तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसकी फैब्रिक पतली वाली टी शर्ट है, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, समर में और इस वाले ह्यूमिडिटी के लिए परफेक्ट है। तो अगर आपको लेना हो कुछ कंफर्टेबल तो आप इसके लिए सोच सकते हैं। और इसकी जो केपरी है वो दिखा दूँ तो इस तरह की आपको मिल जाती है दोनों तरफ प्लास्टिक और यहाँ पर मिलती है आपको डोरी और पूरे पजामा में आपको इस तरह की प्रिंट मिल जाती है। लेवेंडर कलर के ऊपर आपको इस तरह की क्लाउड बनी हुई मिल जाती है, रेनबो और क्लाउड वाली जो पैटर्न है ये मिल जाती है, ठीक है। ये जो पजामा है बहुत लूज वाली नहीं है, थोड़ी सी नैरो है बट कंफर्टेबल काफ़ी है, आपको अगर पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। लेंथ इसकी फुल होगी और फैब्रिक इसकी भी हौजरी अच्छी वाली है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं।
एंड जो लास्ट है गाइस बहुत ही प्यारी सी इस तरह की टॉप है, आप देख सकते हैं। सितंबर के बाद इस वाले टॉप की बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं इस तरह के टॉप को ढूंढती रहती हूँ। अक्टूबर नवंबर में इस तरह की जो टॉप है बहुत काम आती है। और इसकी फैब्रिक गाइस इतनी अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट वाली है, बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उस तरह की ये फैब्रिक है। और इसके आप कलर देख सकते हैं, इसकी जो येलो कलर है ना बिल्कुल मैंगो वाली कलर है, खाने वाली कलर जो होती है ना उस तरह की कलर है। मुझे ये कलर बहुत अच्छी लगी। एक तो इसकी कलर काफ़ी अच्छी है और फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, और इतने अच्छे डिस्काउंट पे मिली तो लेना बनता था, सो मैंने इसे बाय किया है। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप बाय कर ले, क्योंकि इतनी अच्छी प्रोडक्ट इतने कम प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाली है। देख सकते हैं इसकी जो डिटेलिंग है, सिंपल सी है, बिल्कुल सॉलिड आपको टॉप मिलती है, और यहाँ पर इस तरह की नेक मिलती है, और नेक के नीचे आपको इस तरह से बटन्स मिल जाते हैं। और ये जो बटन्स है ये ओपनेबल है, और ये जो बटन्स है ये ओपनेबल है, ठीक है। टॉप की जो लेंथ है ये स्टैंडर्ड है, बहुत छोटी नहीं होगी, हिप के आसपास होगी, ठीक है। और स्लीव्स आपको पूरी मिल जाती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है गाइज, अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए। सो गाइज ये थी आज की ज़िवामी हॉल, होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको टाइमली मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।